नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी के विषय क्रम में पिछले प्रैक्टिस सेट से आगे हम बढ़ेंगे। आज सेकंड सेट पेपर लगाएंगे। आज का विषय भी है भारतीय संविधान। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो बी आंसर होगा, कश्मीर का अलग संविधान है। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इस बुक में थोड़ी सी, तो इसमें ये गलत लिखा था, अलवा करके लिखा था, तो इसको मैं सुधार दिया है। ये है कश्मीर का अलग संविधान है, तो आंसर है बी। ठीक है, तो इसे जम्मू कश्मीर का संविधान नाम से ही जानते हैं, जबकि जो आईपीसी हमारी ठीक है इंडियन पिनल कोड, उस जैसा जम्मू कश्मीर की जो है कोड है संहिता है उसको रणवीर दंड संहिता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो देखिए, दो साल तो सभी ऑप्शन में दिया है, और 18 दिन ये भी सभी में दिया हुआ है। अब डिपेंड करता है, इसमें देखना है 9वां, 10वां, 11वां या 8वां। तो इसके लिए याद रखने के लिए सबसे सिंपल चीज़ कि आखिरी माह था, मतलब 11 माह हो चुके थे, 12वें माह के कुछ दिन बचे थे। यदि वो पूरे हो चुके होते तो ये 12 माह होने से 2 वर्ष के बजाय 3 वर्ष हो चुका होता, इसलिए ध्यान रखें आखिरी माह था। इसलिए 2 साल 11 माह और 18 दिन, यानी सी आंसर। अगला, भारत की सर्वोच्च विधि है, तो भारत का सर्वोच्च कानून या सर्वोच्च विधि किसे माना जाता है? तो संविधान को माना जाता है। अगला, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म श्री की उपाधियां प्रदान की जाती है? तो उपाधियों वाला कौन सा अनुच्छेद है हमको पता है, बी आंसर अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों के बारे में। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ये नहीं जो ध्यान रखें, तो डी आंसर है हैदराबाद, जो हमारे साउथ में आंध्र प्रदेश में, और अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के कारण इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कॉमन राजधानी है, संयुक्त राजधानी है, और मूलतः अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है। तो हैदराबाद के नवाब जो थे वे संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला, भारतीय संविधान में आपातकाल का जो उपबंध है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? बी आंसर है जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है आपातकाल का उपबंध। अगला, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना खुद का संविधान है। तो ये जम्मू कश्मीर का संविधान किस साल अंगीकृत किया गया? तो सन 1957 में, यानी डी आंसर है। तो ये मैंने साइड में लिख लिया, ये देख सकते हैं हल्का सा दिख रहा होगा, 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर ने खुद का संविधान लागू किया था। अगला है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है, डी आंसर है जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आंसर है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। इसका अर्थ है भारत में केंद्र सरकार की अलग नागरिकता और राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एमपी वाले अपनी नागरिकता अलग लिए, यूपी वाले अलग, बिहार वाले अलग, ऐसा नहीं। हम सबको एक ही नागरिकता मिलेगी कि हम सभी भारतीय हैं। अगला, सर्वप्रथम किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो सबसे पहले पंजाब राज्य में की गई थी आपातकाल की घोषणा। भारत में संविधान सभा का गठन ये किन के प्रस्ताव पर किया गया था? तो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने ब्रिटिश संसद में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने की घोषणा की थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? क्लीमेंट एटली। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया समता का जो नियम है उसका अपवाद कौन है? तो ये आंसर है राष्ट्रपति, जो हमारे देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अगला, निम्न में से कौन भारत में संप्रभु है, यानी सोवरेन है? तो सर्वोच्च सोवरेन कौन है? डी है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। निम्न में से किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का विचार किया गया है? तो सभी को पता है, बी आंसर है 14 वर्ष, ये मैंने लिख दिया है, ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो सी आंसर है भारत की जनता से, वही हम भारत के लोग जो बताया गया है, तो उसका अर्थ है भारत की जनता से। अगला है, भारतीय संविधान की संघीय पद्धति जो फेडरल सिस्टम है वो किस एक्ट से ली गई है? तो वह 1935 के एक्ट से ली गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। अगला, निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक संप्रभुता पाई जाती है, यानी संसदीय प्रणाली पाई जाती है?
तो हम जानते हैं ये इंग्लैंड में या ब्रिटेन में पाई जाती है, वहीं से हमने ये ग्रहण की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी इंग्लैंड। अगला, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है, सेम वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बदल दिया है, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से सी आंसर है। निम्न में से किस देश में त्रिसदनीय व्यवस्थापिका है, तीन सदन किस देश में, तो इनमें से सी मलेशिया में त्रिसदनीय व्यवस्थापिका है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना हेतु सहायता प्रदान करती है, तो ए आंसर है इसमें अनुच्छेद 275। ये जरूर देख लें, मैंने ऊपर लिस्ट बना दी है इससे, इस पेज में दिए हुए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 275, ये केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले योजना में सहयोग, 315 ये UPSC के गठन, 74-75 ये मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है, भाग 3 ये सर्वाधिक आलोचित भाग मूल अधिकार का है, धारा 32 सॉरी अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, ठीक, और धारा 24 ये बाल श्रम के बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग, इसको शॉर्ट में कहते हैं UPSC, इसका उल्लेख किया गया, तो जैसा अभी मैंने बताया ऊपर, ठीक है, 315 यानी सी आंसर हो गया, अनुच्छेद 315। अंतर्राज्य परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है, कैसे बनती है, तो डी आंसर है राष्ट्रपति द्वारा बनती है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वर्णित किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया भाग 3 को कहा है सर्वाधिक आलोचित भाग, तो ये आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था, तो सी आंसर है नेहरू रिपोर्ट से शुरू हुआ था। अगला, संविधान में भी कौन से विषय थे जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व ही लागू हो गए थे, तो पूर्व का मतलब 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे, तो वो हैं ये डी उपयुक्त सभी, इसमें सबसे पहले नागरिकता है, संक्रमणकारी जो उपबंध है वे, और आंतरिक संसद यानी इंटरिम जो पार्लियामेंट है, ये सभी उपबंध जो हैं ले लिए गए थे पहले से ही, यानी संविधान की पूर्णता लागू होने से पहले। अगला, भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था का क्या लक्षण है, तो ये सभी हैं एकात्मक व्यवस्था का लक्षण, एकात्मक व्यवस्था में हमेशा ध्यान रखिए एकहरी नागरिकता होती है, एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है, और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो जैसा मैंने ऊपर आपको ये टिक लगवाया है मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है, तो डी आंसर है मंत्रिपरिषद। अगला, जनमत का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो बी आंसर है बहुमत का मत, यानी बहुमत जिस बात को कहेगा उसी को कहा जाएगा जनमत। भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के ढांचे को किसके अंतर्गत अधिनियमित किया गया था, तो हम जानते हैं बी आंसर है वर्ष 1946 के मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। अगला है, संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, तो इसका आंसर है 389 कुल सदस्य संख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित किससे, तो ये हमने अभी ऊपर देखा था संवैधानिक उपचार, ठीक, तो सी आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला, संविधान ने हमारे देश को नामित किया किस रूप में, तो इसको हम देख लें सी आंसर है इंडिया अर्थात भारत के रूप में, ठीक, इसको बाहर लिखा है भारत दैट इज इंडिया, ठीक। अगला, भारतीय संविधान का निर्णय ऐसे कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा काम में नहीं लगाया जाएगा, यानी ये बाल श्रम का प्रतिषेध करता है, तो बाल श्रम में बच्चों की उम्र क्या मानी गई है, तो 14 साल उम्र मानी गई कि 14 साल या उससे कम का जो है वह छोटा बच्चा माना जाएगा श्रम करने के दृष्टि से, ठीक। अब इसका कनेक्शन वहाँ शिक्षा के अधिकार से दिया है, क्यों, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना ये राज्य का कर्तव्य बनता है, और 14 साल से ऊपर हाँ फिर वह श्रम कर सकता है, तो यह दिया है जैसा अभी हमने ऊपर देखा संविधान के अनुच्छेद 24 में दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्न में से कौन सा एक निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय संविधान है, तो संघीय संविधान होने के लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो सी आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों का प्रॉपर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ही ये बताता है कि हमारा संविधान जो है वह कैसा है, संघीय संविधान की क्वालिटीज़ भी रखता है। अगला, सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है भी संविधान पर आधारित है हमारा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग जिसको चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन कहते हैं इसके गठन का प्रावधान कहाँ दिया है, तो बी अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है।
बाद में राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगणमन है वह राष्ट्रीय गान है, जबकि वंदे मातरम वह राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो ये ए आंसर है 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों को संरक्षण कौन देता है, तो भारतीय संविधान संरक्षण प्रदान करता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, तो ये आंसर है महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने ये मांग की थी। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो सी आंसर है एक सार्वभौमिक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र में। इसमें आप पिछले वीडियो में देखना, एक क्वेश्चन था 75 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें समथिंग 72 या 73वां था, उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें आंसर जो स्टार्टिंग का है संघ भय, उसमें आंसर है, आप वीडियो देखेंगे उसमें संघ सही आंसर है। दरअसल इन बुक्स में कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक गलती से हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन के लिए जनता द्वारा मतदान का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सी आंसर है स्विट्जरलैंड में। जनता अपनी वोटिंग करती है इस कारण से कि वह वोटिंग करके बताती कि हमारे संविधान में जो चेंज है, अमेंडमेंट है, वह किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये जनता डिसाइड करती है, जबकि हमारे यहाँ यह संसद डिसाइड करती है। अगला, भारत का संविधान किस प्रकार के नेचर का है, क्या कठोर है यानी जिसे बदला नहीं जा सकता, क्या लचीला यानी बदला जा सकता है, तो आपको बता दें कुछ प्रोविजन बदले जा सकते हैं, कुछ प्रोविजन ऐसा नहीं असंभव है, बदले जा सकते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया इतनी कठिन है कि वो असंभव समान है, इसलिए इसका आंसर है सी, कठोर और लचीला दोनों प्रकृति रखे हुए। इसका अगला, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है कब, तब ये आंसर है संसद के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पर। इतना ये प्रस्ताव से क्या होगा, वह अपनी जो संघीय व्यवस्था है उसे हम एकात्मक व्यवस्था यानी केंद्र की ओर झुकाव अधिक होगा, केंद्र पर शक्तियाँ अधिक की जा सकती हैं, उसके लिए संसद का 2/3 बहुमत करवाना पड़ेगा। अगला, हिंदू आचार संहिता विधेयक, इसको हिंदू कोड बिल कहते हैं, इसको लेकर किस प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विवाद हुआ था, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विवाद किससे हुआ था, उस समय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विवाद हुआ था। ये इसमें सी ए गलत लगा है, मैंने लिख दिया है ए ऑप्शन सही है। अगला, कानून की शासन व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो सी आंसर है ये ब्रिटेन में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में विधानमंडल निम्न सदन में अधिक शक्तिशाली होता है, तो ये आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला, भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर देने पर किस राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की गई थी, तो डी आंसर है हैदराबाद राज्य। जैसा अभी हमने पढ़ा कि हैदराबाद राज्य के ही जो नवाब लोग थे उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था, और यहाँ तक कि बाद में भारत संघ में विलय होने से भी मना कर दिया था। तब हमारे गृहमंत्री आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी ने पुलिस कार्रवाई करके उसको और सैनिक कार्रवाई करके मजबूर कर दिया था, हैदराबाद को मजबूर करके उसे भारत संघ में विलय करवा लिया था। अगला, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है, तो सी आंसर संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का अनुभव करता है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो बी आंसर है अनुच्छेद 335। तो इसमें दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट आ गए, एक तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, एक अनुच्छेद 335 ये एससी एसटी को लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ है, ये बी आंसर है नेपाल ने। देखिए ये अभी तक का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, हर जगह पूछा जाता था हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू राष्ट्र नेपाल ही था, लेकिन आपको हम बता दें कि सन 2008 में नेपाल में संविधान सभा ने नए संविधान का निर्माण किया, उसमें संशोधन करते हुए नेपाल को हिंदू राष्ट्र की बजाय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया है। अब आप ये जरूर ध्यान रखें और आगे पूछा जा सकता है, जबकि जनता की मांग थी कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन राजनेताओं ने इसको वापस से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो बी आंसर है 3 प्रकार से, हम सभी जानते हैं। ठीक, अगला, संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया, यानी एस सी एस टी की सबसे पहले एक्ट की शुरुआत कैसे हुई थी, तो 1955 से हुई थी, जो सिविल संरक्षण अधिकार के तहत। अगला,
संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों की आवासादा यानी ABCD करके चार श्रेष्ठियाँ या चार कैटेगरीज थी। तो कब थी ये? 1956 में, जैसा हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके राज्य बने थे। ठीक है, इसके आगे अगला, निम्न में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है जिसमें दो सदन होते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि हर राज्य में एक सदन होता है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद भी है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? देखिए, मैंने ऊपर लिखे हैं, ऐसे 7 राज्य हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का मैं आपको ये बोल के बता देता हूँ। ये 7 राज्य हैं, इसमें है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद JK लिखा है यानी जम्मू कश्मीर, उसके बाद लिखा है कर्नाटक, उसके बाद है तेलंगाना, उसके बाद है UP यानी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार ये हो गए 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी है। तो विधानसभा भी है, विधान परिषद भी, यानी ये द्विसदनात्मक हो गए, यहाँ 2 सदन है राज्य में। तो इसमें ये ऑप्शन ये गलत लगा है ए, जबकि इसका आंसर ए और बी दोनों हैं। ठीक है, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये दोनों ही द्विसदनात्मक हैं। अगला, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो डी आंसर है इलाहाबाद अधिवेशन में अपनाया गया था। अगला, कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? तो भारतवर्ष द्वारा दी गई संसदीय कार्यविधि जो है वह है शून्यकाल। अगला, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19 यह सुनिश्चित करता है कि प्रेस आज़ाद है, स्वतंत्र है। ठीक है, अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा हेतु 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को चुना जाता है? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? ऐसे अंग्रेज जो आज़ादी के बाद भी वापस अपने देश इंग्लैंड नहीं गए, बल्कि यही भारत में बस गए और यहीं के होकर रह गए। तो मूलतः वो बिलोंगिंग्स थे वो इंग्लैंड के, लेकिन यहीं के नागरिक हो गए। अब उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो मूलतः इंग्लैंड और अब वर्तमान में भारतीय होने की वजह से एंग्लो इंडियन कहलाए। तो इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में, ठीक है, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को चुना जाता है, इनके समुदाय से नॉमिनेट किया जाता है। तो इसके लिए प्रावधान दिया है संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया है। इसके अगला, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो ये आंसर है 284 थी। अगला, भारतीय प्रशासन के विकेंद्रीयकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, इसका अर्थ होता है कि जो पावर है वो मेन एक मुखिया के हाथ में ना हो करके मुखिया से जनता की तरफ यानी जनता को पावर दे दी जाती है, इसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो डी आंसर 1861 में इसकी शुरुआत सबसे पहले कर दी गई थी। ठीक, ये मैंने इंपॉर्टेंट ऊपर लिख दिए दोनों अनुच्छेद, 19 ये प्रेस की आज़ादी और अनुच्छेद 331 ये 2 एंग्लो इंडियन और लोकसभा में नॉमिनेट होना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सी आंसर जनता में निहित है। जैसा कि हम जानते हैं प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। संविधान सभा में प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, उसकी प्रत्येक धारा जो उन्होंने बनाई थी उसको कितने वाचन यानी कितनी बार पढ़ने के बाद अंतिम रूप से पारित किया गया था? तो हम जानते हैं बी आंसर है 3 बार उसका वाचन हुआ था, तब जाकर अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला, नागरिकता पहला, निर्वाचन दूसरा और अंतरिम संसद तीसरा, ये जो प्रावधान थे ये संवैधानिक प्रावधान कब से प्रभावी हुए थे? तो हमने पिछले पेज पर हमने पढ़ा था कि ये वो प्रावधान है जो पूर्ण रूप से संविधान लागू होने से पहले ही ये लागू किए जा चुके थे, अर्थात 26 नवंबर 1949 से ही इन्हें लागू कर दिया गया था। अगला, राज्यसभा द्वारा नई भारतीय सेवाएँ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की जा सकती हैं? तो ये है अनुच्छेद 312 के तहत, ये मैंने ऊपर की साइड में ये नोट कर दिया है यहाँ पर। तो ये पिछले हमने 2 पेज पहले पढ़ा था कि UPSC के तहत जो सेवाएँ हैं वो 315 में दी हैं और राज्यसभा नई भारतीय सेवाएँ चालू कर सकता है, तो 312 के तहत शुरू कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक किसमें मिलती है? तो ये आंसर है भारत के संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल में मिलती है हमें इस बात की झलक कि उन्होंने संविधान जो बनाया वो किन आदर्शों, किन उच्च आदर्शों को मन में संजोते हुए उन्होंने वह संविधान बनाया है। अगला, निम्न में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है?
देखिए इसमें एक गलत ऑप्शन दिया, मौलिक अधिकार नहीं बताता बल्कि डी आंसर संविधान की प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना ये बताती है कि भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेकुलर स्टेट है। अगला, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ए आंसर है प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका मतलब जब संविधान में किसी प्रकार के किसी अनुच्छेद में फंस जाते हैं तो उसको खोलने के लिए कुंजी मतलब होता है की, चाबी, तो उसकी चाबी किस में, प्रस्तावना में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जब भी किसी अनुच्छेद के निर्वचन में कहीं समस्या आए, उसके पाठ्य से संबंधित, निर्वचन से या व्याख्या से संबंधित, तो उसके लिए हमें प्रस्तावना की ओर देखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि प्रस्तावना का निर्माण जो है वह संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए किया था, उन्हीं आदर्शों वाला अर्थ हमें उस अनुच्छेद के निर्वचन में लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो इसे संविधान की कुंजी कहा जाएगा, प्रस्तावना को कहा जाएगा, जबकि संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वह भाग 3 मूल अधिकारों को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ जगह नीति निर्देशक तत्वों को भी कहा जाता है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि किसने किसको संविधान की आत्मा माना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है चूँकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, इसीलिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, इस समय गौवध को लेकर काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत विवादास्पद मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, इसीलिए ये पक्के तौर पर किसी न किसी लॉ एग्ज़ाम में या आगामी सिविल जज परीक्षा में संभव है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, दुधारू पशुओं के वध पर, इधर पशु नहीं बल्कि पशुओं से नस्ल से संबंधित सभी प्रकार के जो कैटेगरीज के जानवर हैं दुधारू, ठीक है, उन सभी के वध पर रोक लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी अनुच्छेद 48। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।